हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वे 90। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड स्टोरेज के बारे में कि किस तरह से हम एक प्रॉपर तरीका से फूड स्टोरेज कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। फूड स्टोरेज एक फूड सेफ्टी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टोरेज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, जो भी चीज़ चाहे वो कुक फूड हो, रॉ मीट हो या फिर पेरिसेबल वेजिटेबल्स हो, अगर हम रेफ्रिजरेटर में रख रहे तो हर एक फूड कवर होना चाहिए, चाहे लिड से या फिर क्लिंग फॉइल से। इसके बाद स्टोरेज पे आएंगे हम लोग, किस तरह से हम स्टोरेज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक ही रेफ्रिजरेटर है तो सबसे पहले हमें सबसे एकदम टॉप में ऊपर में रखना चाहिए कुक फूड या फिर रेडी टू ईट फूड। हम एकदम ऊपर रेडी टू ईट फूड या फिर कुक फूड इसलिए रखते हैं क्योंकि इसे हम अगर नीचे रखते हैं, इसके ऊपर अगर कोई मीट हो या फिर वेजिटेबल्स हो, अगर नॉनवेज की कोई भी लिक्विड जो रेडी टू ईट फूड है इसके ऊपर गिरते, उस फूड को क्रॉस कंटामिनेशन होते और वो खाने से हमको डायरिया हो सकता है। इसलिए जो रेडी टू ईट फूड या फिर कुक फूड इसे सबसे ऊपर रखा जाता है कि इसके ऊपर और कोई भी फूड की लिक्विड या फिर फूड या फिर कुछ और ना गिर सकता है। तो सेकेंड में हम रखना चाहिए वेजिटेबल्स, चाहे पेरिसेबल वेजिटेबल्स हो या फिर ऑलरेडी कट वेजिटेबल्स। तीसरे नंबर पे हम रखना चाहिए रेड मीट। रेड मीट जो पोक, लैम, बीफ, जो भी रेड मीट है इसे हम आफ्टर वेजिटेबल्स उसके रखना चाहिए। चौथा नंबर पे हम रखना चाहिए सी फूड। मैं और एक बार याद दिला दूं, जो भी हम नॉन वेज, पेरिसेबल वेजिटेबल्स या फिर रेडी टू ईट फूड इसे हम अंदर रखते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो ईच एंड एवरी फूड कवर होना चाहिए विथ लिड या फिर क्लिंग फॉइल। अगर इसे हम कवर नहीं करते, एक फूड की जो बैक्टीरिया है दूसरा फूड में जाके क्रॉस कंटामिनेशन करते हैं, जिसके वजह से वो फूड खाने से हम बीमार हो सकते हैं। और पांचवा नंबर पे हम रखना चाहिए चिकन, पोल्ट्री, टर्की, इस तरह के मीट को। सबसे लास्ट में हम रखते हैं ग्राउंड मीट, चाहे बीफ हो, लैम हो, चिकन हो, जो भी मीन्स मीट है इसे हम सबसे नीचे रखते हैं। इसे हम सबसे नीचे रखते क्योंकि मीन्स मीट के अंदर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं और इसके अंदर कुछ लिक्विड लिक्विड भी होते हैं, जिसका वजह से मीन्स मीट को सबसे नीचे के फ्लोर पे रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपके पास एक ही रेफ्रिजरेटर है तो इस मेथड को फॉलो करके ही आप स्टोरेज करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपकी फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ में। अगर कुछ बात समझ में नहीं आया या फिर और कुछ क्वेश्चन आपके मन में है, डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।